सो अंडरस्टैंड, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, हमारे अंदर सामने यार अब बरादरी कर रही है, हम क्या करूं, जहेज नहीं दूंगा तो मेरी बहन की इज्जत कहां पे, घर वालों ससुराल में मसला कर देंगे वो। सोचे ना, लड़की वाले जहेज देते हैं, लड़के वालों ने क्या मांगना, लड़के वाले मांगते ही नहीं, अब उनको पता है खुद ही देंगे। बैंक अकाउंट तो हमारे घर में पैदा हुआ था ना लड़का, तो मगर वो इस फियर को ट्रिगर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनकी भी बेटियां होती हैं, अकलौते अकलौते तो नहीं होते ना, एक लड़के की बहनें भी होती हैं, उनको पता होता है कि भाई हम कहीं या ना कहीं जहेज तो आना है, क्योंकि हमारी बेटी का हम जहेज नहीं देंगे तो मसला हो जाएगा। क्या मसला होगा, कोई इसराइल के बंदे आके उठा के मारेंगे इस जाबी वर्तियों को, मारे मारे नहीं नहीं, बातें सुनेंगे हम, ताना हूं मजा तिल्लू मजा, मतलब दोजखी आ जाएंगे कुछ और दोजखी आके मेरी मोमिन बच्ची को तंग करेंगे, बस ये फियर है और तो कोई नहीं है। उसी ताने के ऊपर आए था ही ना, वही लुल्ली कुल्ली हूं मजा तिल्लू मजा, जुमले कसता तू, और क्या करते हैं लोग, मतलब सिर्फ इस साइकोलॉजी के पीछे आप अल्लाह रसूल का दीन छोटा के लिए कि नहीं सर हम वो हैं, वही लुल्ली कुल्ली, हमारे पे वही थी सर, कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पे वही थी, मैं ही तो वो हूं, एक की बजाय सो एक ही उठाएंगे, सो निकलेंगे। आप इस्लाम इस्लाम ना करें, हम हुमजा तिल्लुमजा वाले लोग हैं, तो इसलिए हमारे पे प्रेशर है कि लोग क्या कहेंगे, बस लोग क्या कहेंगे, वही लुल्ली कुल्ली हुमजा तिल्लुमजा, और क्या है, लोग क्या कहेंगे ना, मगर हमने पूरा करना है। इसलिए एक बंदा ताकत करे ना, मैं फिर अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चले रियलिटी होती है। मेरे ऊपर भी मेरे ससुराल वालों ने प्रेशर डाला था कि बेटा आप ये नखरा, मेरा पति का इंतकाल हो चुका था, तो आई वाज द डिसीजन मेकर ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजन शादी के वक्त, तो जाहिर है उन्होंने यही वाली बात की कि भैया आपका आपका डिसीजन नहीं है ये उन्होंने मुझे बताया, आपका डिसीजन नहीं है ये आपसे पूछ ही रहे हैं, ये होना है, सोचें जरा ये होना है बस, ऐसे तो फिर ये डिसीजन जहेज वाला आपका ही होगा, निकाह वाला तो मेरा है ना, फिर ये निकाह नहीं होना, क्योंकि मेरा बाप सारी दुनिया के सामने ये कहता कहता मर गया कि ये काम नहीं होने दूंगा, और आप उनके मरते में यहां पे बैठा होंगे, वो खैर है लड़की की इज्जत का मामला है, यहीं पर एक ही तो शादी होती है बंदे की जब ये डिसीजन, और क्या मैं 100 शादियां करूंगा तो बताऊंगा, फिर अगली में देख लेंगे, अपना मौका आया तो पतली गली हो लिए, तो आपने करनी है तो ऐसे करने, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। और जाहिर है इस जुमले को बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि जाहिर है फिर उनकी यहां पे भी इज्जत लगी होती है कि यार ये किस तरीके से बात हुई, तो जितनी तमीज तरीफ से कह सकते थे कह दिया, मगर बात तो कूल कौल से सीधा कि अल्लाह से डर लो या लोगों से डर लो, बस ये अल्लाह ताला ने रूल बता दिया। और आखिर उसी सूरत में है जो मैंने आपको आयत सुनाई है, ये असल में सूरत ऐसे स्टार्ट होती है, जो आयत है ना या यूल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, बस अगर अल्लाह से डरता है तो भाई सीधी बात तो करेगा तू, अगर अल्लाह से नहीं डरता इसका क्या मतलब है, अल्लाह से नहीं डरते तो फिर इसको भी खुश कर लें, इसको भी खुश कर लें, बरादरी को भी खुश कर लें, तो आप बरादरी से डरते हैं और आप समझ रहे हैं आपसे सवाल नहीं होगा मन रब्बू का, क्या मतलब है कि किससे डरते थे भाई, किधर से आए हो, जी मैं तो अंकल से डरता था, मेरे तो घर वाले थे, मेरे चाचा थे बड़े, ताया अबू ने कहा था कि ऐसे करना है, हर जगह पे ताबूत खोला तुमने, हर जगह पे ताबूत खोला, कहते हो कि आप मुसलमान मर रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब मैं आपको इतनी सी बात बताऊं, जब ये जत्थे की जो साइकोलॉजी होती है ना, जत्थे की साइकोलॉजी, ये असल में तोड़ना इतना मसला नहीं होता, असल में इतना मसला नहीं है, और जो हिम्मत अपने जत्थे को तोड़ने के लिए चाहिए ना, सही बताऊं वो इसराइल जाने के लिए हिम्मत चाहिए, उससे काम चाहिए, बल्कि इसराइल जाना आसान है, बहुत आसान है, क्यों एयरलाइन आपके साथ होगी, कोई ना कोई जहाज ही लेके जा रहा होगा आपको, कोई ना कोई एक दो बंदे और मिल जाएंगे, आप क्यों जा रहे हैं जी, मैं तो यहूदी हूं, अपने अपना तवाफ करने जा रहा हूं। अच्छा, आपको पता होगा कि यार कोई ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है, लोग जा ही रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं, ज्यादा क्या होगा देखी जाएगी। अपने घर वालों के खिलाफ, अपनी बिरादरी के खिलाफ लड़ने के लिए इसको कहते हैं सॉफ्टर क्रिटिकल एनर्जी, इसको क्रिटिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में क्रिटिकल एनर्जी का मतलब है कि ये वो सॉफ्ट सा एक ग्रे मैटर है जिसके बारे में ऑकवर्डनेस ज्यादा है, अजीब लगेगा ये बात करते हुए, अजीब लगेगा, इसको हम तोड़ते होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में ना, ये पाकिस्तान में